बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक न्यू वीडियो लेक्चर के साथ मैं हूं ज़ैन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ग्रुप एंड अनग्रुप वाले फंक्शन को यूज़ करना सीखेंगे और ये देखेंगे कि ग्रुप एंड अनग्रुप वाला फंक्शन जो है ये प्रोफेशनली किन शीट्स में यूज़ होता है। मैंने इसी तरह एक रैंडम शीट यहाँ पर बनाई हुई है और इसमें डिफरेंट कंपनीज़ के नेम लिखे हुए हैं और जो कंपनीज़ हैं उनके प्रोडक्ट का नेम भी मैंने लिखा हुआ है कि होंडा, सुजुकी, ऑडी और डिफरेंट कंपनीज़ हैं। ये कार मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज़ हैं। इन्होंने जितनी भी सेल की है 2014 में, उसके बाद 2015 में, वो हमने लिखी हुई है। और इसके बाद जो हमारी 2014 की सेल है टोटल, इसको हमने 4 क्वार्टर्स में डिवाइड किया है। क्वार्टर कहते हैं 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है और साल में चूँकि 12 मंथ होते हैं इसलिए 4 क्वार्टर हो जाएंगे, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3। तो यहाँ पर हमने इसको सम किया हुआ है, तीनों सॉरी 4 मंथ की जो हमारी सेल है उसको हमने यहाँ पर सम किया हुआ है। तो जब हम किसी भी एम्प्लॉय को ये डाटा सेंड करते हैं तो मोस्टली होता ये है कि हमने, चूँकि शीट बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, तो अगर हमने 5 साल का या 2 साल का डाटा किसी को सेंड करना है, हम ये करते हैं, इसको हम कर देते हैं यहाँ से हाइड और इसको भी हम यहाँ से कर देते हैं हाइड। हाइड करके हम डाटा उसको सेंड कर देते हैं किसी को भी अगर हमने सेंड करना हो। तो जिस बंदे के पास ये फाइल जाती है वो ये देखता है कि कंपनी के नेम देखता है, उसके बाद वो ईयर की जो सेल होती है वो देखता है। तो उसको अगर डिटेल चाहिए हो कि क्वार्टर 1 में कितनी सेल हुई है, क्वार्टर 2 में, क्वार्टर 3 में, तो उसको वैसे अगर हाइड हुए, अगर वो सेल, वो कॉलम हाइड होंगे तो उसको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर हम उनको उसको बताएंगे कि यार आप हाइड है, इसको अनहाइड कर लें, तभी वो जाके इसको अनहाइड करेगा, अदरवाइज उसको इस चीज़ का पता ही नहीं होगा कि कॉलम हाइड किए हुए हैं। तो आज हम एक ऐसा मेथड सीखेंगे जिससे ये फ़ायदा होगा कि जब आप किसी को फाइल सेंड करेंगे तो उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि यहाँ पर कुछ फाइल्स हाइड हुई हैं। ये देखिए, मैं इसको अनहाइड कर लेता हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक किया और अनहाइड कर लिया। तो हमने ये चारों कॉलम सेलेक्ट कर लेने हैं क्वार्टर्स वाले और यहाँ से डाटा पे जाना है। डाटा पे जाने के बाद ये देखें, यहाँ पर एक ग्रुप वाला ऑप्शन है, आपने ग्रुप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो देखें यहाँ पर एक साइन आ गया है माइनस का। अगर मैं यहाँ पर माइनस पर क्लिक करता हूँ तो देखें जो हमारा 2014 का साल था उसके जो 4 क्वार्टर्स थे वो अब हाइड हो गए हैं। जब हम ये फाइल अब किसी भी पर्सन को सेंड करेंगे, इसी तरह मैं ये देखें यहाँ पर पहले इसको भी कर लेता हूँ, ये चारों क्वार्टर्स लिए मैंने 2015 के, इसको भी मैंने ग्रुप कर दिया और ग्रुप करने के बाद मैं माइनस पर क्लिक कर दिया। तो देखें जब हम ये फाइल किसी भी पर्सन को सेंड करेंगे तो यहाँ पर जो ऑटोमेटिकली ये बटन्स उसको नज़र आ रहे हैं, तो 2014 और 15 का वो डाटा ले लेगा, लेकिन उसका ध्यान उसकी, वो जब ये देखेगा कि यहाँ पर प्लस का साइन आ रहा है तो वो यहाँ पर क्लिक करके ज़रूर देखेगा। अगर हाइड होंगे तो फिर तो हमें उसे कॉल करके बताना पड़ेगा या उसे पर्सनली मिलकर बताना पड़ेगा कि यार इसमें हाइड है डाटा, आप इसको अनहाइड कर लें। लेकिन इन बटन का ये फ़ायदा है कि जब किसी को फाइल सेंड कर दी जाती है तो ऊपर 2 बटन्स होते हैं और वो पर्सन जो होता है वो जो ईयर्स होते हैं उनका डाटा भी ले लेता है और सामने उसको ये बटन भी नज़र आ रहे होते हैं। इससे उसे ये पता चल जाता है कि यहाँ पर जो है कोई चीज़ हाइड है, वो इस पर जब जैसे ही क्लिक करता है तो उसके बाद 2015 का क्वार्टर्स की शक्ल में डाटा आ जाता है। तो ये था जी मेथड कि क्वार्टर्स, अगर हमने क्वार्टर्स को ग्रुप करना हो तो वो कैसे करते हैं। इसको अगर आपने अनग्रुप करना है तो इसके लिए आप सेलेक्ट करें, इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं पहले कर लेता हूँ माइनस, प्लस पर हमने क्लिक करके इस प्लस पर क्लिक किया, अब फिर हम प्लस पर क्लिक कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर अनग्रुप पर जाना है। अनग्रुप पर मैंने क्लिक किया तो देखें ऊपर से जो वो साइन था ग्रुप वाला वो ख़त्म हो गया। इसी तरह हम यहाँ से इसको पकड़ेंगे और 4 क्वार्टर्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से अनग्रुप पर क्लिक कर देंगे। जैसे हमने कॉलम्स को ग्रुप किया, इस तरह हम रोज़ का भी ग्रुप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं चाहता हूँ कि ये जो 3 कंपनीज़ हैं इनको मैं ग्रुप कर दूँ, तो मैंने यहाँ पर ग्रुप तीनों रोज़ को सेलेक्ट किया और ग्रुप पर क्लिक किया तो देखें यहाँ पर भी वही साइन आ गया। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये प्लस में हो जाता है और हमारे पास जो तीनों कंपनीज थी उनका डाटा अब हाइड हो गया। अगर हमें शो करवाना है तो हम यहाँ पर बटन पर क्लिक करेंगे और डाटा हमारे पास शो हो जाएगा। तो ये था जी हमारा ग्रुप एंड अनग्रुप वाला फंक्शन। डाटा में से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको ग्रुप एंड अनग्रुप की फंक्शन की समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई हो तो वीडियो के नीचे कॉमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।